दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अभी बैंकिंग सेक्टर के सुर्खियों में है, एमएसएमई लोन्स का पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चरिंग। रिटेल और कॉरपोरेट क्रेडिट के दोनों शाखाओं में काम करने के तजुर्बे से एक बात मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छोटे ऋण के तुलना में कॉरपोरेट ऋण का पुनर्गठन आसान है। कॉरपोरेट ग्राहक अपने अकाउंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और आपके पास बहुत सारे उपकरण या विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं जिससे आपको इस प्रक्रिया में मदद मिलती है। दूसरी तरफ छोटे ऋण के लिए आपको आपके अनुभव, ज्ञान और विश्लेषण पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए आज हम केवल छोटे ऋण के बारे में चर्चा करेंगे जिन खातों में ना तो GST होता है ना ही बैलेंस शीट। इस ट्यूटोरियल में हम लोग आसान तरीके से समझ लेंगे कि RBI के ये नई रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है। उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पुनर्गठन करना कैसे है और प्रोसेस नोट कैसे लिखा जाता है। एक बैंकर होने के नाते आपका दर्द समझ सकता हूँ और आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, मेरे बताए गए उपायों से अगर आप ऋण पुनर्गठन करते हो तो पुनर्गठन सफल हो ना हो आपके ऊपर एक खरोच तक नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमित, मैं हूं अन्वेषा और शुद्ध देसी बैंकिंग पर आप सभी का स्वागत। हमारा मकसद बैंकर का स्वाभिमान, बैंकर का आत्मविश्वास। सबसे पहले रमित, आप मुझे ये बताइए कि ये रिस्ट्रक्चर का झंझट हम सर पे क्यों लें? वैसे भी ब्रांच में काम में इतना दबे रहते हैं हम लोग, तो और एक मुसीबत बढ़ाने का क्या जरूरत? नहीं नहीं, ऐसे मत सोचिए, इसमें आपका फायदा ही है। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। अधिकतर बैंकों ने अपने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नीतियों को संशोधित किया है। बैंक मैनेजमेंट अब उस मामलों में उदार दृष्टिकोण अपना रहा है जहां किसी कारणवशत ऋण पुनर्गठन सफल नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बैंक के निर्देशों पर चले, मुझे यकीन है कि ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और किसी की मौखिक सलाह पे काम ना करे, हमेशा अपने बैंक से प्रकाशित सर्कुलर और मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन को गीता, कुरान या बाइबल का दर्जा दे। मैं बताता हूँ कि एक शाखा प्रबंधक या एक क्रेडिट ऑफिसर के रूप में पुनर्गठन आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। कस्टमर के पीछे भागना या सुबह शाम फ़ोन करना बंद, वसूली अभियान बंद, समय वर्जित खातों का कोई जोखिम नहीं, अन्य बिजनेस पैरामीटर पर बेहतर ध्यान, और इन सब के कारण आपका शाखा बनेगी लाभजनक। तो ये पुनर्गठन है क्या? पुनर्गठन का मतलब बोरोअर के फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को समझते हुए दिए हुए लोन के सैंक्शन टर्म्स में कुछ विशेष संशोधन। इस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का कारण आर्थिक या कानूनन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो किस प्रकार के संशोधन को हम पुनर्गठन मानेंगे? पुनर्गठित लोन के रिपेमेंट पीरियड का विस्तार, EMI या रिपेमेंट का शर्तों में फेरबदल, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फेरबदल, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी का एक्सटेंशन। ध्यान में रखिए कि पहले बताए गए तीनों संशोधन अगर MCLR या EBPLR बदलने से हुआ है तो उसे रिस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन नहीं माना जाएगा। तो RBI की जो नई योजना है उसके मुख्य पॉइंट्स थोड़ा जल्दी से समझा दीजिए हम लोगों को। हाँ, RBI वालों ने हाल ही में एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। आइए देखते हैं कि इस योजना के विशेषताएं क्या है। MSME खातों को इस योजना के तहत स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में डाउनग्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने इससे पहले रिस्ट्रक्चरिंग किया है उनको पता है कि पहले ये कितना अलग था। ये योजना 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक लागू है, लेकिन ये लास्ट डेट एक्सटेंशन की उम्मीद की जा रही है। उधार लेने वाले यूनिट का GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनको GST के नियमों से छूट है उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। 1 जनवरी 2019 तक बैंक या NBFC से लिए गए लोन के राशि कुल मिलाकर 25 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। उधार लेने वाले की अकाउंट 1 जनवरी 2019 में बैंक के खाते में स्टैंडर्ड रहना चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग के दिन भी यह स्टैंडर्ड रहना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों को SMA अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देना है, NPA अकाउंट्स पर नहीं। ये पहले की गई प्रोविजन के अलावा 5% अतिरिक्त प्रोविजन करेगा। हालांकि स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान अकाउंट के सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होने पर यह प्रोविजन रिवर्स किया जाएगा। यदि कोई जानना चाहते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का क्या मतलब है तो वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद लोन का एसेट क्लासिफिकेशन IRAC नॉर्म्स द्वारा निर्धारित की जाएगी। IRAC नॉर्म्स के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो रमित, क्या हर टाइप्स का अकाउंट इस योजना में शामिल है या कुछ टाइप्स इस योजना से बाहर भी रखा गया है? जी बिल्कुल, एक नंबर पर है विलफुल डिफॉल्टर्स।
उसके बाद फ्रॉड अकाउंट्स या जिन्होंने लोन का पैसा बिजनेस से बाहर मीलों दूर भेज दिया है। ये स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो उतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई? सही बात। ये समझने के लिए कि हम इस ऋण पुनर्गठन के प्रक्रिया में कहाँ पीछे रह गए, मैंने अपने अधिकारियों के साथ बात की और उनकी ये प्रतिक्रिया मिली कि वो इन सारे बताए गए परिस्थितियों में निर्णय लेने में संदेह करते हैं। जैसे एक ऐसा एमएसएमई अकाउंट जिसका यूनिट बंद हो चुका है। दोस्तों, मैं पहले ही आपको आरबीआई के विधियों के बारे में बता चुका हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आरबीआई के बताए हुए नियमों से एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए ये नीति बनाई है। अभी आप मुझे बताएं कि बंद हो चुके एमएसएमई यूनिट को सहायता करने में, उसको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने में क्या गलत है? देखिए, एक यूनिट जो कभी थी नहीं और जो आर्थिक संकट से गुजरने के कारण बंद हो गई, दोनों में काफ़ी फर्क है। जो यूनिट कभी नहीं थी वो एक फ्रॉड अकाउंट है, उसकी दवाई अलग है। लेकिन हमारा ध्यान फिलहाल उन एमएसएमई यूनिट पर है जिसको आर्थिक रूप से सहायता करने पर वो अपने बलबूते पे दोबारा खड़ा हो सकता है और आपके लिए एक इनकम जनरेटिंग एसेट भी बन सकता है। ब्रांच में मौजूद जितने भी पुराने एसएमई अकाउंट्स है उसके बारे में एक बात तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, भले यूनिट रहे ना रहे, आदमी तो है, वरना इतने दिनों तक पैसा कौन चुकाया, किसने जमा की स्टॉक स्टेटमेंट। एक और मामला है जब कंपनी के नेचर ऑफ एक्टिविटी में कोई बदलाव होता है। एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी छोटे दुकानदार के लिए ये बहुत आम बात है कि अगर उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो वो कोई दूसरा बिजनेस करे? भाई, बिजनेस उनकी मर्जी उनका। आपको इस बारे में प्रोसेस नोट में छुपाने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधे शब्द में लिख दीजिए पहले वो क्या करता था और फिलहाल क्या कर रहा है, बात खत्म। ऐसा नहीं करने के लिए ना तो आरबीआई बोल रहा है ना आपका बैंक। इसके बाद सवाल उठता है सिविल में आ रही दूसरे बैंकों में डिफॉल्ट्स के बारे में। जिस कंपनी का खाता आपके बैंक में एसएमए है वो दूसरे बैंक या एनबीएफसी में डिफॉल्टर हो सकता है, ये बात भी काफ़ी कॉमन है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके सारे ऑब्जर्वेशंस प्रमाण के साथ प्रोसेस नोट में डाल दीजिए और पुनर्गठन का प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, अभी अगर आपको आरबीआई के ये स्कीम थोड़ी स्पष्ट हो गई है और आपको भी एमएसएमई लोन का रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो आप मेरे दूसरा ट्यूटोरियल देखिए जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पुनर्गठन करना कैसे है और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रख के रिस्ट्रक्चरिंग करने से आप खुद भी अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट से बच सकते हैं।